हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, आप लोगों को पता है कि हमारा जो हमारे देश की जो आज़ादी का दिन है 15th of August, वो आने वाला है। दो तीन दिन है। उस चीज़ पे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि हम वीडियो शूट करेंगे बाहर जाके, क्योंकि पता क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं कोई दिखावे के लिए नहीं होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ भी कोई देख के किसी से इंस्पायर होता है, चाहे वो जुर्म की तरफ हो, चाहे वो अच्छाई की तरफ हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी काम हो, हम एक दूसरे से कुछ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तो हर चीज़ को आप लोग ये मत सोचा करिए कि वो शो ऑफ है। कुछ चीज़ें हम सोसाइटी के लिए जो करते हैं, उस चीज़ से हमें कुछ लेके और हमें अपने आसपास के सोसाइटी के लिए वो चीज़ करना चाहिए। अब वो क्या है वो हम आने वाले टाइम में आपको दिखाएंगे। दो तीन दिन अभी है, अभी हम जाते हैं बाहर, देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ के तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आज, और इसी वीडियो में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी मशीनें डिले हो रही हैं, क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो तो मशीनों का, आपको पता है कि हम लोगों का बिजनेस स्टार्ट कराने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो उनको देने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि लॉकडाउन से पहले के ऑर्डर थे, बीच में थोड़ा सा इतना ज़्यादा लोड आया और एक साथ ही सब लोग आ गए, जिनके मशीनें रेडी खड़ी थी उस टाइम उन्होंने लिया नहीं, और बाद में सब लोग एक साथ आ गए कि अब हमें मशीन दीजिए। तो बड़ा हम लोगों के साथ कॉम्प्लिकेशन हुआ है, बहुत सारा, मतलब इतना ज़्यादा लोड आया है। तो जिन लोगों की थोड़ी सी लेट हो रही है मशीनें, एक दो दिन डिले हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिए। सबकी मशीनें जा रही हैं, दो चार दिन में सबका सब डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑर्डर है मैंने सबसे दो दो महीने का टाइम लिया, सबको देंगे। इंडिया के कोने कोने में काम स्टार्ट कराएंगे, कम पैसे में मशीनें देंगे, और जितना हो सकता है अपने देश को, जो हमारा सेल्फ डिपेंड हो जाए हम, उसके तरफ बढ़ाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं 15th of August पे हम क्या करने वाले हैं। देखिए, अपने आसपास आपने देखे होंगे बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ना कभी स्कूल जाते हैं वो, ना ही स्कूल का शक्ल देखा होगा उन्होंने कभी। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर दिमाग है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा छुपी होती है जिसे वो देखे बगैर ही मर जाता है। 80% से ज़्यादा लोग अपने अंदर के हुनर को देखे बगैर मर जाते हैं, क्योंकि उनको ना तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ना ही कोई जगह मिलती है जहाँ पे उस हुनर को वो दिखा सके। अब सोशल साइट्स का ज़माना है, ऐसे हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की ज़िंदगी यूट्यूब ने, फेसबुक ने, और ऐसे जो रियलिटी शो होते हैं उन्होंने, उनके अंदर का क्या डार्क सीक्रेट्स है वो छोड़ दीजिए, जो सामने नज़र आता है उस पर बात करेंगे आज, कि किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी बदली। हमारे पास आज थोड़ा कुछ देने के लिए है, वो हम देने की कोशिश करते हैं, और लोगों के चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान आ जाए, बस उस तरफ कुछ दो चार कदम उठा दिए जाए, उस पर कोशिश करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं क्या होता है। अपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, वो बच्चे, ये जो समाज है, इस समाज को समझ लिया पेड़ है, और वो उसकी शाखाएं हैं, वो ऐसी शाखाएं हैं जिनकी जड़ें शुरू से लेकर आखिरी तक सिर्फ आंसुओं में लिपटे रहते हैं, और आंसुओं में लिपटे लिपटे इस दुनिया से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी शाखाएं हैं जो कभी फल नहीं देती हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे अपने आसपास आजू बाजू में देखे होंगे, वो फल नहीं दे पाते। शाखाएँ तो हैं पेड़ पर, लेकिन क्योंकि जब तक फल नहीं होगा, उस फल को उसके घर वाले बेचेंगे नहीं, और बेचेंगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो ऐसे शाखाओं का कोई फ़ायदा नहीं। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि वो बच्चे कभी, आप देखे होंगे कूड़ा उठाते हैं, वाइटनर सूंघते हैं, पता नहीं क्या, क्योंकि मेरे तो आसपास ये चीज़ें घटती हैं, तो मैं उस चीज़ों को लेता हूं, और आप लोगों को भी पता है ये चीज़। तो वो छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी कैसे बदलेगी? बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन है, ऐसे चैरिटी है जो काम कर रहे हैं, हम लोग भी इन फ्यूचर बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल क्या है जिसको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी हर काम कर दे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उन बच्चों के कंधों पे जो लोड उनके माँ बाप बचपन से ही डाल देते हैं, ना वो पढ़ाई कर पाते हैं, ना ही वो कुछ ऐसे समाज के लिए, कोई समाज के प्रोग्रेस का हिस्सा बन पाते हैं, बस ज़िंदगी उनकी 2 रुपये का कूड़ा उठाना है, बाप को शाम को पैसे देने हैं, और ना स्कूल जा पाते हैं, ना ही अपनी ज़िंदगी को किसी मकाम पे पहुंचा पाते। तो आइए अब बात करते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए, आसपास के आपको जो भी ऐसा कुछ दिखता है, आपको सिर्फ ये करना है कि जो लोग उन बच्चों को के लिए कुछ करने की सोच रहे हैं, उनकी हेल्प करनी है आप लोग। 1 रुपये से 2 रुपये से 5 रुपये से सामान से, कॉपी किताब से, जैसे भी कर सकते हैं, आप लोगों को ढूंढना है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर मैंशन करूँगा, आप लोगों को पता है कि हम अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए तब सोच सकते हैं जब हमारा खुद का पेट भरा हुआ हो। जब हम खुद भूखे रहेंगे,
हम अपने बारे में ही अच्छे से नहीं सोच पाएंगे, हम दूसरों के लिए क्या सोचेंगे। मैं उस पर काम करता हूँ कि आप लोगों का किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करा दिया जाए। 1,000 से लेकर 1 करोड़ आपके पास है, मैं आपका बिजनेस स्टार्ट करा सकता हूँ। आप आके मुझसे मिलिए। इतने फ़ोन आप लोग करते हैं, फ़ोन का रिप्लाई नहीं आता, आके हमारे गूगल पे उल्टा सीधा रिव्यू देते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, यूट्यूब में बड़ी बड़ी बात करते हैं। हम अकेले हैं और आप लोग करोड़ों हैं, तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि एक दिन में आपकी कंपनी ना तो अरबों खरबों की टर्नओवर वाली बनेगी और ना ही 2 दिन में आप लोग की कंपनी पूरी दुनिया में नाम और शोहरत पालेगी। तो टाइम लगता है, उस टाइम को हमें भी दीजिए ताकि हम इन चीज़ों को मैनेज कर सके। तो अब देखिए आपको क्या करना है, जो बच्चे जिनके कंधों पर इतना लोड दे दिया जाता है कि वो बेचारे बड़े हो ही नहीं पाते, बड़े होने से पहले ही वो नशेड़ी गंजेड़ी चरसी पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, फिर वो किसी जेल खाने में चले जाते हैं या फिर किसी गलत चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से आप अगर एक बच्चे को भी बचा सकते हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग सभ्य समाज में बिलोंग करते हैं, उतने गरीब लोग इस दुनिया में हैं नहीं। क्योंकि 135 करोड़ में मैंने एक बार निकाला था, मुश्किल से 2-3 करोड़ ही भिखारी इस देश में है, इससे ज़्यादा नहीं है, जिसमें से 20 लाख के आसपास दिल्ली में। ऐसे मैंने एक पूरा बहुत पहले निकाला था, वो मेरे थोड़ा थोड़ा ध्यान है, अब थोड़ा सा लटिस में अगर गलती हो रही हो तो आप लोग उस चीज़ को देख लीजिएगा। बताने का सिर्फ मतलब इतना है कि आप लोग जो अपने सोसाइटी के लिए कर सकते हैं करिए, वो 1 रुपये से हो 2 रुपये से हो डजेंट मैटर, पैसा कोई मैटर नहीं रखता, नीयत मैटर रखता है कि आप करना क्या चाहते हैं, कुछ करना चाहते भी हैं या नहीं करना चाहते। तो समाज को आप तब कुछ दे सकते हैं जब अपने फैमिली को कुछ देंगे आप, जब अपने आप खुद को आप कुछ देंगे। तो पहले खुद इतने स्टेबलिश बनिए कि अपने आप को इतना स्टेबल करिए कि आप दूसरे को देने के लायक बन जाइए। क्योंकि समाज के बारे में देश के बारे में इंसान तब सोचता है जब रोटी कपड़ा मकान वो खुद पूरे तरीके से सर्वसंपन्न हो। तो अभी 15 अगस्त पर जो वीडियो आएगी, आप लोगों को पता है कि मेरा एक और चैनल है वन डे ट्रिप, जो कि हम संडे को जाते हैं, अपना जो भी हम फ्रस्ट्रेशन होता है, जो हमारे बिल्कुल दिमाग का दही हो जाता है, उस चीज़ को फ्रेश करने के लिए, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए हम बाहर जाते हैं वीकेंड पे एक ट्रिप पे, उसका वीडियो उस पर अपलोड करते हैं। तो ये वाला अगर 15 अगस्त को हमने शूट किया, कुछ हमने कॉन्सेप्ट तैयार किया है, आप लोग दुआ कीजिए कि उस चीज़ पर हम लोग कामयाब हो। अगर मैंने वो शूट किया तो मैं इस वीडियो इस वाले चैनल पर भी डालूंगा और वन डे ट्रिप पे डालूंगा, उसका लिंक मैं दूंगा। उस चैनल को अगर आप लोग चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वाले चैनल पर आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, दिल खुश हो जाता है आप लोगों की जो दुआएं देख के, कमेंट्स में सबके पढ़ता हूं मैं, लाइक करूं ना करूं क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन आती है, मैं एक नज़र डाल लेता हूं उस पे। तो आप लोग की जो कमेंट्स मैं देखता हूं मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो अब वो 15 अगस्त वाला वीडियो अपलोड होगा, उस पे आप लोग देखिएगा, अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और अपने सोसाइटी को अगर कुछ दे सकते हैं तो दीजिएगा, क्योंकि हर जगह हर कोई नहीं जा सकता। 135 करोड़ पॉपुलेशन वाला देश है, जिस कोने में आप हैं वहाँ के बच्चों को देखिए, छोटे छोटे बच्चों, जैसे आपके घर में अपने बच्चे हैं वैसे वो भी किसी के बच्चे हैं, सिर्फ इतना फ़र्क है कि उनके सिर पर छत नहीं है, बाप का नाम नहीं है, बस ऐसे ही पैदा होते हैं और मर जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी की ज़िंदगी को बना देते हैं, वो एक इंसान भी हो, तो फिर उसके आने वाली पुश्तें आपका नाम लेंगी। और ये जो नाम लेने वाली बात है, जो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग जो मेरी तारीफ़ करते हैं, मशीनें बेचने वाले तो 1 लाख हैं, लेकिन जो तारीफ़ आप लोग आगे करते हैं, ये दुनिया की कोई दौलत ये खुशी किसी को नहीं दे सकती। जो आप लोग अप्रिसिएट करते हैं, जो आप लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं, और आप लोग जो कहते हैं कि आपके आइडियाज़ का अगर हम 10% मिलेंगे तो काफ़ी, जैसा मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो बात आप लोग को बताता हूँ जो इस दुनिया में लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग छुपाते हैं और मैं बताता हूँ, तो आप लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं और बहुत अच्छी क्वांटिटी में आप लोग मेरे पास आ रहे हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है। तो इस चीज़ को बहुत आगे लेके जाना है, इस पर पूरी प्लानिंग चल रही है कैसे काम करेंगे। आप लोग दुआएं, आप लोग का साथ रहा तो इस दुनिया के कोने कोने तक इंडिया का नाम तो ऑलरेडी पहुँच रहा है, लेकिन किसी एक छोटे इंसान की वजह से, इंसान जो होता है सब छोटे होते हैं लेकिन उनकी सोच उसको एक मुकाम तक लेके जाती है। आप सबको मैं ये समझाता हूँ कि आप अपने सोच को इतना ऊपर लेके जाइए, आप क्या पाएंगे क्या नहीं पाएंगे सोचने में क्या हर्ज है, कि मैं इतने करोड़ का मालिक बनूंगा, मैं इतने लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँगा, मैं समाज के लिए कुछ करूँगा, इस चीज़ को सोचने में क्या जाता है। आप सोचिए, अगर आप सोचेंगे तो करेंगे, क्योंकि जब आपकी नीयत में जब वो चीज़ आएगी कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे किसी का भला करना है, आप देखिए इंसान के अंदर एक अच्छा और एक बुरा दोनों इंसान साथ साथ चलते हैं, किसको आगे बढ़ा देना है, कौन आगे निकल जाएगा, अच्छा वाला या बुरा वाला, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आप सोचेंगे। अगर आप बुरा सोच रहे हैं, आपके दिमाग में दिन रात सिर्फ बुराई चल रही है, तो वो बुरा वाला इंसान आगे बढ़ जाएगा। इंसान एक है, उस इंसान के अंदर 2 चीज़ें पैरलर चल रही हैं, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा इंसान आगे बढ़ेगा, और फिर जब वो इंसान आगे बढ़ेगा आपके अंदर का, तो आप अच्छा करेंगे भी,
तो सारा दारोमदार आपकी सोच पे, आप क्या सोचते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अब 15 अगस्त वाला वीडियो देखा जाएगा उसमें क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।